नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजनाथ बोले, पाकिस्तान यदि पहले गोलीबारी करता है तो हम अपनी गोलियां नहीं गिनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के एक दिन बाद स्पष्ट रूप से पाकिस्तान पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि एक केंद्रीय दल उस संभावित चूक का पता लगाएगा जिससे हो सकता है कि यह घटना हुई हो। सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों को स्थायी आदेश है कि पहले गोली न चलाए लेकिन जवाबी कार्रवाई करते समय गोलियां न गिने। सिंह ने कहा, मैं अपने सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, मैं उनके साहस को सलाम करता हूँ। आतंकवादियों ने उन पर छलपूर्वक हमला किया, फिर भी हमारे सुरक्षा बलों ने उन दो आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। गौरतलब है कि शनिवार को कश्मीर के पंपोर में हुआ यह हमला हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों पर होने वाला भीषण हमला था जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए और 21 अन्य घायल हो गए थे। मन की बात में अघोषित आय पर मोदी हुए सख्त, दिए चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर तक अघोषित आय का ब्यौरा न देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकेत देते हुए कहा कि लोगों के पास संभावित मुश्किलों से बचने का यह आखिरी मौका है, इसके बाद इससे बचने में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाएगी। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ये चौंकाने वाले तथ्य है कि 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में केवल 1.5 लाख लोग ही ऐसे है जिनके कर योग्य आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बड़े शहरों में लाखों की संख्या में ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनके पास 1-2 करोड़ के तो केवल बंगले हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। राष्ट्रहित में स्थिति को बदलना जरूरी है और ऐसा 30 सितंबर के पहले करना है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 30 सितंबर तक स्वेच्छा से अपनी अघोषित आय के बारे में जानकारी देने वाले लोगों की आय के स्रोत की सरकार जांच नहीं करेगी। एक बार भी उनसे नहीं पूछा जाएगा कि इतना धन कहां से आया और कैसे आया। इसलिए बेहतर मौका है कि लोग इस पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएं। काले धन के मामले में मोदी सरकार को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। भारत सरकार को विदेशी बैंकों में रखे भारतीयों के काले धन का पता लगाने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन खातों में जमा करीब 13,000 करोड़ रुपए काला धन का पता लगाया है। इससे पहले साल 2011 में फ्रांस सरकार ने जिनेवा के HSBC बैंक में भारतीयों की ओर से जमा कराई गई रकम के करीब 400 मामलों की जानकारी दी थी। इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक खातों में करीब 8,186 करोड़ रुपए जमा थे। कालाधन पर सरकार को पता चली है अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इसके बाद इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की वेबसाइट पर साल 2013 में 700 भारतीयों के विदेशी बैंक खातों का खुलासा हुआ था। इसमें 5000 करोड़ रुपए जमा होने का पता चला था। इस तरह 2011 और 2013 में मिली जानकारी को मिलाकर भारतीयों के कुल 1100 खातों में 13000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता चला है। अब देखना ये होगा कि यह धन सरकार वापस कैसे ला पाती है।